हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकुर सौरभ त्रिवेदी। आज हम बनाएंगे स्पाइडरमैन थीम केक। 500 ग्राम का ऑर्डर है और फ्लेवर है चॉकलेट। तो यहाँ पे हम वेनिला प्रीमिक्स ले लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच कोको बटर पाउडर डाल के अच्छे से छान लेना है। और 120 ml कप से मैं 1 कप दूध ले रही हूँ, उसमें छोटा चम्मच विनेगर डाल के दूध को फाड़ लिया था और प्रीमिक्स में मैंने डाल के अच्छे से बैटर को रेडी कर लिया। लास्ट में मैं 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल और चॉकलेट एसेंस डाल के बैटर को रेडी कर लूँगी। प्री हीट ओटीजी में हम उसे बेक होने छोड़ देंगे 170 डिग्री टेम्परेचर 25 मिनट और नीचे के 1 रोड ऑन रखेंगे। बेक होने के बाद केक को हमें फ्रिज में ठंडा होने छोड़ देना है और 3 लेयर काट लेनी है। ठंडा होने के बाद 3 लेयर काटने के बाद हम केक बेस पे क्रीम स्प्रेड कर लेंगे, जिससे केक हमारा हिलेगा नहीं। और स्पंज ले लेंगे, स्पंज पे हमें चीनी पानी से सोक कर लिया और ये हो रही है हमें चॉकलेटी क्रीम से हम इक्वली स्प्रेड कर लेंगे। और ये ले रही हूँ चॉकलेट गनास, दे चॉकलेट गनास को भी इक्वली स्प्रेड कर लेना है। और उसके ऊपर हम डार्क कंपाउंड ग्रेट करके फ्रिज में पहले ही छोड़ दिया था, जिससे ये कंपाउंड जो चॉकलेट है वो हाथ में चिपकेगी नहीं और इक्वली स्प्रेड होगी। और ये डार्क कंपाउंड है वो केक में कटने के बाद केक में क्रंच आएगी, पिघलेगी नहीं। और ये दूसरा बेस ले लिया, उसे चीनी पानी से सोक कर लिया। तो चीनी पानी 2 चम्मच शुगर में मैंने आधी कटोरी पानी डाल के घुल लिया, वही चीनी पानी है। और ये चॉकलेट क्रीम है, तो चॉकलेट क्रीम मैंने व्हिप क्रीम में चॉकलेट मेल करके डाल दिया था 25 ग्राम। और ये गनास है, तो गनास मैंने 50 ग्राम मेल्टेड व्हिप क्रीम में मेल्टेड चॉकलेट डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। और हल्का सा गर्म था, तो ठंडा होने के बाद हमारा गनास रेडी हो जाएगा। तो तीसरी लेयर ले लेंगे, तो यहाँ पे ये हो रहा है। तीसरी लेयर भी चीनी पानी से सोक कर लिया था, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने चॉकलेट ग्रेट करके की थी वो डाली नहीं। तो यहाँ पे पहली लेयर में भर के चॉकलेट डाली थी, तो नहीं डालेंगे तो भी प्रॉपर टेस्ट आएगा, लेकिन कस्टमर को हमें टेस्ट अच्छा ही देना है। तो मैं अच्छे से ये ऊपर की लेयर ले रही हूँ और उसे चॉकलेट डाल के वापस हमें कर लेंगे क्रम कटिंग। तो हमारा स्पंज इतना बढ़िया बना था कि ऊपर का बेस चीनी पानी से सोख होने के बाद भी नहीं मुड़ा और नहीं टूटा। तो यहाँ पे हो गया है हमारा क्रम कोटिंग, उसके बाद ठंडा होने फ्रिज में छोड़ देंगे। और ये ले रही हूँ ब्लू कलर की क्रीम। तो ब्लू कलर की क्रीम बनाने के लिए वाइट क्रीम में मैंने ब्लू जेल कलर डाल के क्रीम रेडी कर ली। करीबन ये 100 से 150 ग्राम के आसपास क्रीम होगी। तो यहाँ पे इक्वली स्प्रेड कर लेनी है। पहले प्लेनेट नाइफ से अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर लेंगे और हम ले लेंगे लास्ट में स्केपर, और स्केपर से हम इसे फिनिशिंग दे देंगे। तो ब्लू जेल कलर डालने से क्रीम हल्की सी मेल्ट होती है, तो उसे ब्लू जेल कलर डालने से एक बार फ्रिज में ठंडा होने छोड़ दीजिए, जिससे हमारा क्रीम में कलर भी डार्क थोड़ा सा हो जाएगा। और यहाँ पे हो रहा है हमारा क्रीम। तो ये दोपहर का टाइम था और क्रीम हल्की सी मेल्ट हो गई थी, तो यहाँ पे एसी ऑन करके मैं काम कर रही हूँ। और ये इस टाइम पे क्रीम मेल्ट हो रही है, लेकिन केक को भी फ्रिज में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे केक को फ्रिज में रखेंगे तो ऊपर की हल्की सी ड्राई हो जाएगी, तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो एसी ऑन कर दिया था, तो हल्की सी क्रीम मेल्ट होनी बंद हो गई और मैं फटाफट फिनिशिंग देने के बाद तुरंत ही उसे रख दिया था, फ्रिज में सेट हो गया था और हमारा अच्छे से केक बन के रेडी हो गया था। तो उसके ऊपर स्पाइडरमैन थीम है, तो मैं न्यूट्रल जेल ले रही हूँ। तो न्यूट्रल जेल लिया है, उसमें मैंने जेल कलर डाल दिया रेड कलर का। तो 2 चम्मच मैंने न्यूट्रल जेल लिया है और 1 चम्मच मैंने पानी डाल के अच्छे से घोल लिया, उसमें मैं लास्ट में रेड जेल कलर डाल के रेड कर लिया था। तो उसे हम पहले ड्रिपिंग वाला कर देंगे और बीच में स्प्रेड करना है। तो यहाँ पे क्रीम हल्की सी कम पड़ गई, जो जेल मैंने बनाया था वो, फिर भी मैंने इक्वली स्प्रेड करके ये पूरा कवर कर लिया था। पर नीचे ब्लू कलर की क्रीम है और ये क्रीम जो होती है न्यूट्रल जेल जो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये नीचे ब्लू कलर की वजह से हल्का सा बर्गंडी कलर लग रहा था, फिर भी हमारा केक का डिज़ाइन अच्छे से उभर के आया था। तो ये डार्क गनास है, चॉकलेट गना से मैं सर्कल बना रही हूँ। तो हल्का सा आधा आधा इंच का गैप रख के सर्कल बना लेना है और उसे हम टूथपिक से आमने सामने की ओर कट लगाएंगे, जिससे हमारा स्पाइडरमैन का वेब बन के रेडी हो जाएगा। तो पहले मैंने
आमने सामने कर लिया और बीच में जो जगह था वहाँ पे भी कर लिया था, और जो जहाँ पे कट लगाया था वहाँ पे गन्ना से हम प्रॉपर फिनिशिंग दे देंगे। और मैंने फोंडन की आइस बना ली थी, वाइट फोंडन से आइस बनाई थी और ब्लैक फोंडन से उसे कवर कर लिया था, वो उसे रख दिया था और स्पाइडरमैन सामने रख दिया। हमारा केक बन के रेडी हो गया था, बॉर्डर में नीचे बनाए थे, कस्टमर का नाम भी लिख दिया था। आई होप लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।